subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. रहमान चाय लेके आओ। मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या। रास्ता करो आराम से पहले, जिसे देखो इसी में लगा हुआ। दस दफा इस लड़के को समझा चुके हो, लेकिन लगता है कि आजकल के बच्चे की बात मानना ही भूल चुके हैं। क्या आप लोग अभी मेरे पीछे पड़े? शट अप, बैठो। जो जो इंसान तरक्की करता जा रहा है, अकेला होता जा रहा है। छोड़िए, आप नाश्ता कीजिए। किसने कौन सी बात समझ ली? अरे नहीं, और मैंने उसे उठाया भी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत अजीब सी है, मुझे तो खुद समझ लिया। परेशान परेशान रहती है, खामोश रहती है, कमरे में अंधेरा करके रखती है, अच्छी बहकी बहकी बातें करने लगती है। तो क्या हुआ उसे? पता नहीं, मैं तो खुद उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई भला जानबूझ के भी ऐसी हरकतें करता है? आजकल के बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि रुकना तो इन्हें आता ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे एबटाबाद अपनी खाला के यहाँ भेज दूँ कुछ दिन के लिए। कुछ नहीं होता, जगह बदलने से कुछ नहीं होता। चादर पर कितनी शिकने हैं, कैसा लिबास पहने फिरते हैं हम सब। एक दीवार उड़ी हुई है, मुझे चलना है। सफर तो इसके बाद शुरू होगा। खूबसूरत सफर, लेकिन सफर रास्ता खत्म होने के बाद किस तरह शुरू होता है? तुम इसका मजा संभालो, लोगों को मत परवाह करो। यही लोग हैं जो उसको लेके आए। ओके, बचा कर लाए, बच गई और इससे पूछो मसला क्या। इतना डरते क्यों? कैसी बातें कर रही हो बेटा? थोड़ी देर सो जाओ, वैसे भी तुम्हें बहुत तेज हो। मैं छोड़ कर आया हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ।
जब तक कोई गैर मामूली बात ना हो जाए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? एंड टेक केयर ऑफ हर। अब तुम मुझसे बात करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, खुल के बताओ मुझे, तुम किसी को पसंद तो नहीं करती? ये पसंद ही तो बांट का सबब बनती है, हम सबको शायद घुटन बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हम एक दिन के बाद दूसरे दिन का इंतजार शुरू कर देते हैं। अनिया, अनिया, कैसी बातें कर रही हो बेटा? खुदा के वास्ते थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। सोने ही तो गई थी, सोने ही तो नहीं देते। क्या कर रही हैं आप? खुदकुशी करने जा रही हैं आप? पागल हो गई हैं आप? कौन हैं आप? उसको छोड़िए, कौन हूं मैं? ये पता है आप कहां जा रही हैं? जहां मुझे जाना था तो आपने मुझे जाने नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। जहाँ मुझे जाना है वहां तक शायद कोई ना आ सके, इसलिए आप मेरा पीछा छोड़ो। Just tell me one thing, doctor. कैसा इंतजार है आपके हॉस्पिटल? बेटी मेरी अपने बेड से गायब हो गई, किसी को इतना ही नहीं है। ये जी अस्पताल खाना तो है नहीं, मरीज अगर यहाँ से उठ के चले भी जाते हैं तो उनसे कौन पूछे? ये हमने तो हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा छान मारा है। आप सही कह रही हैं, मेरे घर से आप थाने में रिपोर्ट कराएं, वही मिले थाने में रिपोर्ट। लोगों को देखा कैसे खुशी खुशी जी ले, और एक आप हैं खुदकुशी करने जा रही थी। सामने आपके अम्मी अबू आपका घर किधर है?
दवा बो देता है जिससे आने वाले कल का इंतजार। अच्छा ठीक है, आप मेरे सवालों का जवाब मत दें, लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ के जा सकता हूँ। किस हालत में हा? क्या हुआ है मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको फिक्र ही करनी है ना तो उन लोगों की करें जो ये समझते हैं कि पास हमेशा का वक्त है। मेरा पीछा छोड़ दें। मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। जवाब क्या होगा? ठीक कह रहे हैं आप। अगर नादर भाई को थोड़ी सी भी फिक्र होती तो पता तो करते ना उसका। मुझे तो लगता है वो खुश है। I think he's married again. Oh, what the hell is going on surrounding me? अब अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, उन्हें कुछ कहता हूँ तो 10 तरह के सवाल करेंगे वो लोग। किस किस सवाल का जवाब दूंगा मैं? कहा गई थी तुम? आई एम आस्किंग यू वेयर आर यू? खामोश रहो तुम्हें। अलिया, अलिया प्लीज मुझे सही सही बताओ कि कहां थी तुम? मैं वक्त को फेंकने गई थी। क्या क्या बकवास है ये? मुझे ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। टेल मी द ट्रुथ, सच बताओ मुझे, किसके साथ थी तुम? अपने साथ? इसी बात का तो दुख है। क्या ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई? आप रिलैक्स कीजिए, मैं देख के आती हूँ। प्लीज आप रिलैक्स कीजिए। कौन हो तुम? तुम हो जो उसके साथ सारा दिन घूमते रहे? तुम फैसल हो या कोई और? मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज के बाद यहाँ नजर आए तो न देखने के काबिल रहोगे और न सुनने के काबिल। यहां नजर मत आना। Thank you.
तुम्हें क्या हो गया बेटा? हॉस्पिटल भी बताए बगैर आ गई? हमने इतना परेशान किया हुआ बेटा, माना कि हम तुम्हारे सगे मामा नहीं हैं, लेकिन क्या हमारे कमी थी? किसी के साथ रहने के लिए सबसे कमजोर जवाब मन का जवाब होता है, और मैं तो खुद को अपने जिस्म पर बोझ समझती हूँ। आलिया तुम्हें क्या हो गया बेटा? आलिया देखे, तुम्हारा दोस्त आया था तुमसे मिलने के लिए, एक लम्हे की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई ना? कैसी बातें कर रहे हैं, देख नहीं रहे वो परेशान है? खामोश रहो तुम भी। आलिया, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, इस घर में ये सब कुछ नहीं होगा। अगर आइंदा ऐसी कोई बात हुई तो that will be the last day of your life, I'm telling you. अच्छा, देखें प्लीज आप चले बाहर आइए, उसने कुछ खाया भी नहीं है, मैं उसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, चलिए प्लीज चलिए। सोचती हूँ कि खुद को खोकर मैं ऐसे लम्हों का रिस्क बन जाऊं जो शनासा नहीं। और मैं और तुम हो या ना हो, कल तो आए टॉकिंग अबाउट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता है आदिया, मौत यकीन की तरह होती है जो कभी खत्म नहीं होती। एक बात कहूँ, तुम मोहब्बत कर लो। मोहब्बत? मोहब्बत तो होती आने वाले दिन के लिए। नो रॉन्ग, मोहब्बत तो सिर्फ आज के लिए, अभी के लिए। मोहब्बत में कल तो होती ही नहीं, और मोहब्बत सबसे पहले जिस चीज़ का एहसास मिटाती है वो तो है वक्त। शौक है ना आपको लड़कियों से दोस्ती करने का? ये मेरी दोस्त है, इनसे कर ले आप दोस्ती। प्लीज, ये क्या बकवास है? ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो सिर्फ आपको देखने आया हूँ यहाँ पर। क्यों? क्यों देखना चाहते हैं आप मुझे? जो शख्स खुद अपने आप को नहीं देखना चाहता, उसे आप क्यों देखते फिरते हैं? देखिए, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको आपकी जिंदगी लुटाना चाहता हूँ। जिंदगी? किस जिंदगी की तरफ खींच के लाना चाहते हैं आप मुझे? ये जिंदगी नहीं, एक बेरंग तस्वीर है, मुझे नहीं चाहिए। आप रखे इस जिंदगी को अपने पास। और हादिया, तुम जो ये मोहब्बत मोहब्बत करती हो ना, कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। ये आपकी दोस्त है ना, इसे गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से समझो, क्योंकि इसे प्यार की जरूरत है। नहीं मिलेगा ना तो मर जाएगी।
क्या समझते हैं आप अपने आप को? है बोले क्या समझते हैं आप अपने आप को? मुझे अपने इर्द गिर्द लोग पसंद नहीं है। ऐसे तो शायद आंखें बंद करने से भी ना हो। आंखें जो देखना चाहती है ना, अगर वो ना भी देख पाए तो वो खुद को देखती रहती है। ना मुझे किसी के लव्स चाहिए और ना किसी की हमदर्दी। आप मेरा पीछा मत करें। देखिए मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मैं आपका पीछा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको आपकी जिंदगी लुटा सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ। लेकिन मुझे किसी दीवार का सहारा लेके खड़ा नहीं होना। आपके हाथ पर मौत लिखी हुई है, हर वक्त जिंदगी की बातें मारता फिरता है। सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। ये जिस्म, ये ज़बान, ये चेहरा, ये आंखें, सब झूठ है। मुझे किसी झूठ का सहारा नहीं बनना। इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं झूठ का बोझ उठा के फिर रही हूँ। खाली घरों में लोग हैं बल्कि खामोशी ना। मैं आपका पीछे इसलिए कर रहा हूँ कि ये बता सकूं कि जिंदगी की किताब का हर सफ़ा एक दूसरे से अलग होता है, उसको अंत तक पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारे सफ़े छोड़ देने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। सफ़ा अगर खाली होना तो उसमें कुछ ना कुछ लिखने के इम्कान से ज्यादा रहता है। मैं उस इत्तेफाक को यकीन में नहीं बदलना चाहती। आप मेरा पीछा छोड़ दें। एक बात बोलूं, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि ख्वाब देखती हैं, और बड़े कहते हैं जिन आंखों में ख्वाब होना उनकी जिंदगी में अगला दिन जरूर आता है। मरना और रोना तो एक मुकद्दस अमल है, अगर बगैर किसी वजह के हों तो। इंसान कॉज और इफेक्ट की इन जंजीरों को कभी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें जीना सीखे प्लीज, क्योंकि इसमें जीने के बहुत सारी वजहें मौजूद होती हैं, अगर आप समझें तो। खत्म हो गई आपकी तकलीफ? आज मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैंने रोक दिया तो क्या कुछ पता चले? कहाँ चले गए बच्चे? कुछ कीजिए। जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। बॉस है, बेटी है मेरी, शी इज अबाउट 23-24 डेज ओल्ड, और वो सुबह से घर से बाहर है। यानी हाँ, मैंने तबाह दी उसका कोई दोस्त नहीं है। मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा इस वक्त, क्योंकि मैं मुझे अभी तरह भी गई, मुझे नहीं पता किस किस में कपड़े पहने हैं, लेकिन कोई इतनी शॉर्ट हाइट है, कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, रंग साफ है। आना पड़ेगा आप प्लीज, जरा चले मैं सब तुम्हारा कसूर। ये लीजिए, संभालिए अपनी बेटी को। तुम्हें मैंने मना किया था ना? बस सर बस, बहुत जलील कर लिया आपने मुझे। आज मैं कहूंगा और आप सुनेंगे। अरे मुझे तो अफसोस होता है कि आप लोगों की ये सोच है। ऐसे साहब, किसी और पर शक करने से पहले इंसान को अपने औलाद पर एतमाद होना चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करने आया हूँ। आपकी बेटी नफसियाती मरीजा बन चुकी है, इसने मौत को रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया है। सर जी, उस दिन भी मैं इसको मौत के मुंह से बचाकर लाया था, और आज भी इसको मौत के मुंह से बचाकर लाया हूँ मैं। क्या? तौबा करो बेटा। तौबा? तौबा मैं करूं? अरे तौबा तो आप लोगों को करनी चाहिए। आप लोग मेरा यकीन करें,
मेरा आलिया के साथ सिवाय इंसानियत के कोई और ताल्लुक नहीं है। गलती से मैं भी उसी पहाड़ पे खड़ा था जहाँ पे ये खुदकुशी करने गई थी। गॉड, कैसी बातें कर रहे हो? और ये मौत को अजीब मुस्कुराहट से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे इसकी दुनिया वीरान हो चुकी है। आप लोग क्यों इसकी जान के पीछे पड़े हुए? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इसको प्यार की जरूरत है, अटेंशन मांगती है इसकी जिंदगी। ये एक नफ्सियाती मरीजा है। खामोशी चाहिए ना, मुझसे लो खामोशी बेटा। तुम्हारे बाबा के पास भी खामोश खजाना दफन है मेरे बच्चे। आई नॉट फीलिंग योर सेल्फ लोनली। हाँ रियली सॉरी माय डॉटर। बस क्या बात है यार, आजकल बड़ी टेंशन में नजर भी नहीं आ रहे। पानी में रहने वाले कीड़े उन्हें कैसे फंस सकते? फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ वजह है मेरे दोस्त, वक्त और जो जो है वो खुद एक बहुत बड़ी वजह। बाकी तो सारी मजबूरियाँ यार। यार मुझे पता है कि तुम फिर किसी की परेशानी की वजह से परेशान हो। एक लड़की है यार, अजीब और गरीब मुलाकात हुई उससे यार। उसने खुद को रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया। वैसे यार अजीब अजीब लोग होते हैं, कुछ लोग मरने के लिए मरे जा रहे होते हैं और कुछ जीने के लिए। लेकिन मैं उसको वापस उसकी ज़िंदगी में लेकर आऊँ। ये सिर्फ एक महंगी बीमारी और कुछ नहीं। हाँ कोई ना कोई वजह तो बनती है। मैं उसको उसकी ज़िंदगी वापस लौटाऊँ। चलिए मैं चलता हूँ। यस सर, डिटेल्स तो मैं तुम्हें पूरी बता चुका हूँ। आई रियली नीड योर हेल्प। जवाब बेटी का मामला हर जगह डिस्कस हो नहीं सकता। मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गया हूँ कि मेरा पूरा घर बिल्कुल अपसेट हो गया। बहुत शुक्र हेल्प में। यार ऐसा जो मसला तुमने बताया मुझे, ये तुम्हारा खुद का पैदा करता है। तुम सारी उम्र इतना मसरूफ रहे अपने बिजनेस में, अपने काम में। कई दफ़ा मैंने तुमसे कहा यार तुम बच्चों के लिए भी वक्त निकालो, तुम निकाल ही नहीं सके। और आज तुम्हारी बेटी जिस मसले का शिकार है और जिसको हम अपनी ज़बान में डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं, वो सब तुम्हारी अदम तवज्जोही की वजह से पैदा हुआ है। तुम्हें चाहिए था उसको देते, उसके साथ उसको शेयर करते, उसको उसकी सुनते। तुम अगर तुम उसकी सुनते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता कि वो फैंटेसी में जा रही है या रोमांटिसाइज कर रही है चीज़ों को। शी वुड रिमेन इन द लाइफ, इन द प्रैक्टिकल लाइफ। यार बहरहाल ये मसला ऐसा नहीं कि ट्रीट ना हो सके, लेकिन अब मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है, तुम्हें वक्त निकालना होगा। ऐसे यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद योर डॉटर एंड यू हैव टू गो विद हर। आई प्रिफर तुम निकल जाओ कहीं किसी हिल स्टेशन पर, निकल जाओ कुछ दिनों के लिए और वहाँ वक्त गुजारो। तुम्हारी नर्व भी सूद होंगी और जब एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट जब चेंज होगा तो इंशाल्लाह ताला हमारी बेटी वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ पलटेगी। उसकी जहन की दुनिया दोबारा हकाइक को फेस करेगी, तुमसे अटैच होगी और वो फिर जो फैंटेसाइज में चल रही है वो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। और यार ये मैं चाहूँगा कि तुम आज तो खैर वक्त हो गया, कल तुम मेरी मुलाकात पहली अपनी बेटी से करवाओ और तुम अपना प्रोग्राम शुरू करो। कल मैं मिलता हूँ बेटी से, देखता हूँ कैसी तबीयत है उसकी, वो क्या कहती है अपनी बीमारी या अपने मसले के बारे में। ट्रीटमेंट हमारे से शुरू करते हैं, दवाइयाँ शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ताला दो से तीन हफ्ते में शिविर स्टार्टिंग होगी और जब तुम लोग वापस आओगे तो होपफुली नर्सिंग के बाद।
भी बच सकते हैं। मैं और ही नंबर का मत करता हूँ, किसी को कल ही हमारे पास नहीं आता और रह गया सवाल फिर बाहर हाउस तो इन शाह तो कैसे ही तो जो कुछ भी तुमने कहा है जब एहसास हो रहा है मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ, अल्लाह का नाम लिख के ये दवाइयाँ तुम शुरू करो और जब तक तुम वापस आओगे इन शाह तला हिल स्टेशन से विद इन 2 to 3 weeks टाइम योर डॉटर विल बी सेंट राइट। क्या प्रिय स्टार्ट है।